शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रे बाप रे बाप, आ गई ले आई। इसमें 25 लाख इतने कम समय में इंतजाम करना मुमकिन नहीं था। पति से मांगते तो शक करता, गहने लाए। अब तुम हमें बच्चा समझ के बहलाने के लिए ये 4 गहने गुड़िया ले आई। अब हम गहना पहनेंगे? 4 नहीं है, कम से कम 60 तोला है। हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, जिंदगी में देखे नहीं होंगे। मैं बेटे को वापस लौटाओ, मैं बच्चे को छोड़ो। पहले अरे असली में गाना है भाई। पहले ही बोले थे। ठीक है, अब तुम जाओ यहां से। जाओ मतलब? हमारा बेटा दो, तुम कहते फिरौती देंगे तो तुम हमारा बेटा लौटाओगे? इतना गहना लेकर आए हैं, दो। थप्पड़ याद है मैडम कि गहना उसका 50% बदला है। क्या है कि हमें थप्पड़ भूलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए तुम्हारा बंटी को रख लिए हैं। अब बाकी का 50% बदला वो पूरा करेगा। ज्यादा वक्त तुम हमको जानते नहीं हो, और गोरखपुर की पुलिस लगवा देंगे तुम्हारे पीछे। हाँ बेटा लौटा। इतना सीरियस बात पे फंस रहे हैं? ये देखो, एक बच्ची का सौदा कर रहा है, 8 साल की बच्ची, उसको उठाकर उससे भीख मंगवाओ, लेकिन वो घर वापस लौट कर नहीं आनी चाहिए। अब जाओ पुलिस के पास। तुम्हारे पुलिस के पास जाने से पहले ये वीडियो उसका टेबल पे होगा, और तुम्हारा लल्ला तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगा। वादा किए थे हमसे कि तुम हमारा बेटा लौटा दोगे। तुमको पैसे चाहिए ना, हम तुमको पैसे भी देंगे। हमने तुमको जेवर दिए, तुम ये भी देख ले लो, जो चाहिए तुम ले लो, तुम सब ले लो हमसे, और हमारा बेटा लौटा दो। ये लो, सब ले लो, हमारा बेटा लौटा दो। अब हमारे पास ना उस थप्पड़ को भूलने का एक ही रास्ता है, वो है कि तुम जिंदगी भर इस थप्पड़ को याद रखो, समझे? लेकिन जाओ, मेरा तुमसे एक वादा है, हम तुम्हारे बंटी को मारेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम फौरन ही यहां से नहीं गई ना, तो उसको यहां बुला के बंदूक का सारा गोली उसका सीने में उतार देंगे। अरे 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 भाई साहब, इसीलिए अब चलिए यहां से। ना इन भाई साहब की बात को तनिक गंभीरता से लेते हैं और यहां से फुट मतलब चलते हैं यहां से। मेरी घर में जाकर के विचार विमर्श करते हैं कि आखिर आगे क्या करना है। इनको पैसा वैसा देना, ये तुम्हारा दुम छल्ला ना तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। इसका बात सुनिए, चलिए फुटिए यहां से, और उठाओ अपना ये चिल्लर, नहीं चाहिए। चलो बना, चल चलो। इन्होंने तो चंद्रा आंटी
जेवर ले लिए और बंटी को छोड़ा ही नहीं। अब कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा उसे बचाने का। चल चल उधर चल। चलो बेटा उठ जाओ, उठना जल्दी। अबे इसका कुछ हुलिया हुलिया थोड़ा चेंज करो, कल से धंधे में भेजना है। ऐसा राजा बाबू बन के जाएगा, कौन भीख देगा इसको? अरे नहीं नहीं, बड़का भैया बोले थे बहुत बड़े घर का लड़का है, इसके बाप का पहुंच बहुत ऊपर तक है, अगर कहीं बिक गया तो सबके सब नपेंगे। इसकी बोनी यहाँ गोरखपुर में नहीं होगी, इसको बनारस ले जाएंगे फिर काम पे लगाएंगे। कल तक का ही डेरा है यहाँ, कमा लो जितना कमाना हो, समझे? 24 घंटे का ही वक्त है, शहर बदलना रहेगा, अपना ठिकाना पुलिस वाले को माँ बापू को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ पर हमारा घर है। सुन गया बिल्ले, मेरे सामने बाप नहीं बनने का, एक चांटा दूंगा ना खींच के, तू खुद पे खुद भीख मांगेगा। जो भीख नहीं मांगेगा वो फिर शहीद हो जाएगा। नहीं, हम नहीं मांगेंगे। ये सुन रे, तो क्या तेरे फरिश्ते भी भीख मांगेंगे? समझ में आई बात? और वो भी कल से। लेकिन कोई इसको पहचान लिया तो? बे नंदू हमेशा उल्टी बात किया करते हैं। बेटा इसका थोबड़ा इसे हम पेंट कर देंगे ना बेटा, तुम खुद ही नहीं पहचान पाओगे कि कौन है। वो कपड़े ला इसको, कल पहनाने कपड़े, वो कपड़े दे पहले। बट बड़के भैया ने तो मना किया था ना? क्या वह हर काम बड़के भैया से पूछ के थोड़ी ना करेंगे? हम भीख नहीं मांगेंगे। चुप, एकदम चुप। तू भीख मांगेगा, देखा मांगे? देखा? हम नहीं मांगेंगे भीख। मांगने का मारता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, हम भीख मांगे दिखाते। तो भैया हमें पैसे दे दीजिए, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। भैया हमें पैसे दे दीजिए। अरे मेरे राजा बाबू, ऐसे पिलपिला के भीख मांगोगे तो भीख नहीं टाफी मिलेगा, समझे? और हमारे बड़का भैया को टाफी नहीं पैसा चाहिए। अच्छे से गिड़गिड़ा के मांगो भीख। मांग कर दीजिए। तो ठीक है ठीक है, अब भी मांगते हैं। दीदी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी छोटी बहन ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और हमारी माँ भी बीमार है, हमें पैसे दे दीजिए। शाबाश बेटा शाबाश, आज के लिए इतना ही ट्रेनिंग काफी है ना? जाके लेके आ, इसका हुलिया चेंज करते हैं। आसान नहीं है, ये लोग हम पे हर वक्त नजर रखते हैं। पिछले महीने एक बच्चा भागा था, उसे वो लोग पकड़ लाए। हेलो, कौन बोल रहा है? फोन देखो, तुम्हारे लिए तोहफा छोड़ा है। हेलो, पसंद आया तोहफा? चेहरा पहचाना? तुम्हारे बेटे को यही लोग उठा के ले गए हैं ना? अरे तुम तो घबरा गई। अब सोचो, अगर पति देव को भनक लग गई कि तुम खुद न्योता देकर आई थी इन गुंडों को और तुम्हारी लापरवाही से बंटी अगवा हुआ है तो क्या होगा? तुम कौन और तुम कहाँ चाहते हो और काहे हमारे पीछे पड़े हुए हो? हम कौन हैं? बस ये समझ लो कि हम तुम्हारी बर्बादी हैं। और जो तुम्हारे बाकी के सवाल हैं, उनका भी जवाब मिलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, जो कीमत मांगोगे तुमको मिलेगी। हम बहुत फंसे हुए हैं, हम घोर परेशान मत करो। अभी कहाँ परेशान किया है जी,
अभी तो परेशान करेंगे। वैसे तो इसकी सैकड़ों कॉपीज हैं हमारे पास, लेकिन तुमको बर्बाद करने के लिए एक ही कॉपी काफी है। बता दे भानु जी को। हेलो हेलो हेलो, मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।